हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया हुआ है, हॉर्स इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैनॉट ग्रेस, टेक रूट 3 इक्वल टू 1.6। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके साइड दिए हुए 12 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि किसी एक कॉर्नर में एक हॉर्स को बांध दिया जाता है और उस रोप का लेंथ है 7 मीटर, ठीक है। तो हॉर्स मैक्सिमम कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा और कितना एरिया ग्रेज नहीं कर पाएगा, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैनॉट ग्रेज, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करना है। और ये जो रोप का लेंथ है वो दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, उसका साइड 12 मीटर, किसी एक कॉर्नर में एक हॉर्स को बांध दिया गया है जिस रोप से, उस रोप का लेंथ है 7 मीटर, तो हॉर्स इस एरिया को ग्रेज कर पाएगा, ठीक है। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, पहले पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और उस एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये हो गया रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, रूट 3/4 और साइड दिया हुआ है 12, तो ये 12 × 12, तो 4 से कट गया ये 3 बार में, 12 × 3 = 36 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये 36 रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ 1.732, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 1732 × 36, 6 × 12 = 2 16 = 18 19, 1 6 = 42 43 4 6 ये आ गया, ठीक है। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 7 = 21 2 = 5 2 9 6 15, 3 1 4, 9 4 13 3, 1 2 5 और 1 6, 6 2 0.352, ये आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ग्रेज्ड, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ये एरिया और ये एरिया क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। उस सेक्टर का रेडियस है 7 मीटर और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल, ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, इस सेक्टर का एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हो गया 60 बाई 360 × 22/7 और रेडियस 7 × 7, जो सेक्टर है उस सेक्टर का रेडियस 7 बन रहा है। तो 60 से कट गया ये 6 बार में, 7 और 7 कट गया, बच गया 22 × 7/6, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 से 11, 11 7 जा 77/3, तो 3 से कट कर देंगे, 3 से 25 बार में चला गया 75, रिमाइंडर बचा 2.66, तो ये आ गया 25.66 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैनॉट ग्रेज। तो एरिया नॉट ग्रेज्ड, एरिया नॉट ग्रेज्ड बाय हॉर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आया है 62.352 और −25.666, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक डिजिट और लेते तो ये 6 आ जाता, माइनस कर देंगे तो ये आ गया 12 में से 6 गया तो बच गया 6, यहाँ पे हो गया 4 से बन गया 14, 14 से 6 गया बच गया 8, ये बन गया 2, 12 से 6 गया 6, ये हो गया 1, 11 से 5 गया 6, ये बन गया 5, 5 से 2 गया 3, तो ये आ गया 36.686, इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 36.69 मीटर स्क्वायर। तो एरिया नॉट ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ये जो पार्ट है ये कैलकुलेट हो गया, ये वाला पार्ट आ गया 36.69 मीटर स्क्वायर, और ये जो पार्ट है ग्रेज्ड, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ये कितना आ गया 25.66 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।